तो अब तक हम लोगों ने स्टूडेंट पैनल ऑथराइजेशन मॉड्यूल ऑलरेडी बना लिया है। अगर आपने पिछली वीडियो को देखा नहीं है तो सबसे पहले आप जाके वो देख लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एडमिन पैनल। ये जो टोटल चार पांच कंपोनेंट्स है ये हम इस वीडियो में डिज़ाइन करेंगे। तो शुरुआत मैं मेंटेनेंस से करता हूँ। तो मेंटेनेंस में अगर मैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दिखाऊँ आपको, तो ऐड न्यू कैटेगरी, ऐड न्यू बुक और डिलीट एग्जिस्टिंग बुक, ये तीन फॉर्म हमें बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मेंटेनेंस का कंपोनेंट बनाता हूँ। एनजी जनरेट कंपोनेंट बुक्स के अंदर मेंटेनेंस का कंपोनेंट बना देंगे। और ये स्टैंड अलोन नहीं चाहिए, इसलिए नो स्टैंड अलोन। और ये हमारा कंपोनेंट बन चुका है। अब उसका राउट ऐड कर देंगे। यहाँ पे मेंटेनेंस लिख दिया राउट में और उसका पाथ जो है इंपोर्ट कर दूंगा। तो अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं मेंटेनेंस वर्क्स लिख के आ रहा है, क्योंकि कंपोनेंट का राउट ऐड हो चुका है। मैट कार्ड डाल देता हूँ मैं, उसके अंदर आएगा मैट कार्ड का हेडर ऐड न्यू कैटेगरी। ये मैट कार्ड कंटेंट में हम फॉर्म बना देंगे, लेकिन फॉर्म बनाने के लिए हमें रिएक्टिव कंपोनेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वो फॉर्म ग्रुप बना देता हूँ। तो न्यू कैटेगरी बोल के इसका नाम होगा और उसका टाइप होगा फॉर्म ग्रुप। तो कंस्ट्रक्टर में मैं फॉर्म बिल्डर को इंपोर्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने न्यू कैटेगरी को बना दिया है। न्यू कैटेगरी जो फॉर्म थी उसमें एक ग्रुप बना दिया और उसमें एक कैटेगरी होगी और एक सब कैटेगरी नाम के कंट्रोल होंगे और इनिशियल वैल्यू उनकी होंगी नल। इसके अंदर हमें वैलिडेशन भी डालना है, तो एक ही वैलिडेशन होगा रिक्वायर्ड का। तो कॉमा डालूँगा वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड और नीचे भी वैलिडेशन डॉट रिक्वायर्ड। ये रिएक्टिव फॉर्म इतना ही था। अब इसको हमें HTML में कनेक्ट करना पड़ेगा। फॉर्म ग्रुप का जो एट्रीब्यूट है वो डाल दिया, इसमें न्यू कैटेगरी लिख दिया। अब उसके बाद मैंने मैट फॉर्म फील्ड बना दिया जिसका कलर एक्सेंट है और लेबल में कैटेगरी डाल दिया और इसे जो अभी हमने कैटेगरी की फील्ड की बनाई थी उसे कनेक्ट कर दिया। उसी तरीके से सब कैटेगरी सेम है, सब कैटेगरी भी एक के बाजू में आएंगे। और उसके बाद आएगा एक बटन जो कि होगा मैट स्ट्रोक्ड बटन, कलर हुआ उसका एक्सेंट जो कि इसके आएगा साइड में। अब ये बटन देखिए मैंने डिसेबल रखा है, अभी जैसे लॉगिन और रजिस्टर फॉर्म के लिए किया था सेम। जब तक ये न्यू कैटेगरी इनवैलिड रहेगा पूरा फॉर्म, तो पूरा बटन डिसेबल होगा। एनेबल तभी हो जाएगा जब सब में कोई ना कोई वैल्यू डाल दी जाएगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पर वैल्यू डालता हूँ, जैसे ही वैल्यू डालूंगा ये एनेबल हो गया। अब इसका SCSS लगाना पड़ेगा। कार्ड का एलिमेंट है उसकी विड्थ में जितना कंटेंट है उतना ही रखता हूँ और नीचे थोड़ी मार्जिन डाल देंगे। उसके बाद जो हर एक फॉर्म फील्ड होगी उसकी राइट में एक मार्जिन लगा देंगे। तो अभी के लिए देखिए इतना CSS काफ़ी है। जैसे ही हम ये ऐड बटन का क्लिक करेंगे, ये ऐड न्यू कैटेगरी बोल के एक फंक्शन होगा जो कि कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन बना दिया है। अब यहाँ पर जैसे ही ऐड न्यू कैटेगरी क्लिक होगी तो जो कैटेगरी की जो वैल्यूज़ है वो हमें एक ऑब्जेक्ट में रिट्रीव करनी पड़ेगी और बैकएंड में रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। तो अभी हमने एक ऐड इन बुक कैटेगरी नाम का एक मॉडल बनाया था, बुक कैटेगरी जिसमें ID कैटेगरी और सब कैटेगरी दो तीन चीज़ें हैं। तो ID तो ज़ीरो रहेगी क्योंकि इंसर्ट करने का है हमें, और कैटेगरी जो हमने अभी फॉर्म में डाली थी वो, और सब कैटेगरी जो उसमें डाली थी वो। अब API में सेंड करने के लिए पहले API सर्विस में भी एक मेथड बनानी पड़ेगी। अब वो जो मेथड है वो भी सेम होने वाली है जैसे अब तक हम बना रहे थे। अब पोस्ट मेथड से हम बैकएंड में रिक्वेस्ट भेजेंगे इस एंड पॉइंट पे, जो कि अभी हम बनाएंगे बाद में। यहाँ पे हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा जो भी रिस्पॉन्स API सर्विस से आने वाला है। तो मैं API सर्विस और स्नैक बार, मैट स्नैक बार जो होता है वो सबको इंपोर्ट कर देता हूँ। जो सब्सक्राइब करने के बाद रिस्पॉन्स आएगा, अगर वो कैनॉट इंसर्ट आया तो ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल दो, और अगर एल्स हुआ यानी कि बराबर हुआ तो इंसर्टेड बोल के डिस्प्ले कर दो और ये ओके बटन हो जाएगा। अब सेव तो हो गया, बैकएंड में हमें API बनाना पड़ेगा। एक मेथड होगी ऐड कैटेगरी बोल के जो कि इनपुट लेगी बुक कैटेगरी को। पोस्ट में भी हम यही नाम डाल देंगे और नीचे लिखूंगा मैं ऑथराइज, तो ये ऑथराइजेशन भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले चेक करना है कि जो बुक कैटेगरी है वो ऑलरेडी है कि नहीं। अगर ऑलरेडी है तो फॉल्स रिटर्न करना है। वेयर एग्जिस्ट कॉन्टेक्स्ट बुक कैटेगरीज एनी, बुक की कैटेगरी नेम सेम है कि नहीं, और बुक कैटेगरी की जो सब कैटेगरी है वो, ये दोनों वैल्यूज अगर सेम हुए और तो ट्रू रिटर्न कर देगा ये एनी फंक्शन। तो हम यहाँ पे चेक कर देंगे इफ़ एग्जिस्ट नॉट इंसर्टेड, कॉन्टेक्स्ट में बुक कैटेगरीज में ऐड कर दो, सेव चेंजेस, रिटर्न ओके, इंसर्टेड बोल के कैपिटल लेटर्स में सेंड कर देंगे। तो बुक ये ऐड कैटेगरी का इतना ही था। तो ये API रन हो चुका है। अब यही से मैं कैटेगरी सेंड करता हूँ टेम्प और टेम्प सब कैटेगरी ऐड, तो वह मैसेज आ गया इंसर्टेड बोल के। डेटाबेस में चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्प कैटेगरी SC बोल के आ चुका है।
तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे चेक किया है कैन नॉट इंसर्ट, और एपीआई में मैं रिटर्न कर रहा हूँ नॉट इंसर्टेड, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसको ऐसे लिखता हूँ और अब मैं सेम वैल्यू ट्रांसफ़र करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे वो नाम इंसर्ट हो चुका है, तो बराबर काम कर रहा है ये। तो ऐड न्यू कैटेगरी का हमारा काम यहाँ पे हो गया है। अब हम बनाएंगे ऐड बुक का, तो सेम उसके लिए एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया मैट कार्ड, ये उसमें हेडर डाल दिया, तो यहाँ पे ऐड न्यू बुक बोल के आ गया। ये न्यू कैटेगरी के नीचे न्यू बुक बोल के एक फॉर्म ग्रुप बना दिया। अब इसके अंदर चार फील्ड्स होने वाले, जो कि होंगे टाइटल, ऑथर, प्राइस और कैटेगरी। हर एक का सेम रिक्वायर्ड वैलिडेटर डाल दिया उसके ऊपर, और प्राइस इंटीजर होगा इसलिए इनिशियल वैल्यू 0 और कैटेगरी की -1। अब ये मैं बाद में बताता हूँ ऐसा क्यों। यहाँ पे वो फॉर्म के एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे। तो मैट कार्ड कंटेंट में आएंगे हमारे सारे कंटेंट, यहाँ पे फॉर्म ग्रुप पे इसको कनेक्ट कर दिया है। जो पहले तीन कैटेगरीज है हमारी, वो तो सब सेम होने वाली है, इसीलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। पहला होगा बुक टाइटल, जो कि एग्जैक्टली सेम है अभी तक जैसे बनाया वैसे, बुक ऑथर, और फिर बुक की प्राइस। इसके बाद हमारा आएगा कैटेगरी, लेकिन बुक की कैटेगरी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ड्रॉप डाउन पैनल है, तो इसके अंदर जो हमारी कैटेगरीज है बैक एंड में, वो सारी कैटेगरीज एक एक करके रिट्रीव होंगी और इस फॉर्मेट में दिखेंगी, जैसे कि कैटेगरी स्लैश सब कैटेगरी। तो उसके लिए भी हमें एक लॉजिक लिखना है। यहाँ पे मैंने एक मैट फॉर्म फील्ड बना दिया, जिसके ऊपर एक क्लास और हर एक के ऊपर मैं एक क्लास डाल रहा हूँ, ताकि बाद में मैं इसे इन्हें CSS लगा कर इनकी विड्थ सेट कर सकूँ। इसी लिए उसके अंदर लेबल डाल दिया कैटेगरी बोल के। फिर आएगा मैट सिलेक्ट, ये वाला मैट का कंपोनेंट, फॉर्म कंट्रोल नेम कैटेगरी। इसके अंदर आएंगे मैट ऑप्शन के एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पे देखिए जो ये वैल्यू दिख रही है ये एक है, और जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो अंदर जो सिलेक्ट होने वाला है वो कंप्यूटर स्लैश एल्गोरिदम नहीं होगा, इसकी जो आईडी होने वाली है वो, क्योंकि हर एक को हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना है इसीलिए। तो उसके लिए मैं एक टेम्पररी इंटरफेस बना देता हूँ कैटेगरी ऑप्शन बोल के, जिसमें होगा एक डिस्प्ले वैल्यू और उसकी एक्चुअल वैल्यू, वैल्यू आईडी होने वाली है इसलिए नंबर, और उसको तो हर एक को लिस्ट में स्टोर करने के लिए एरे, और ये एरे के ऊपर हम लगाएंगे लूप इधर। तो वापस फॉर ऑफ कैटेगरी ऑप्शंस, इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो लूप हो जाएगा। तो मैट ऑप्शन जो है वो हमें इसके अंदर लिखना है, इसमें जो वैल्यू आने वाली है वो होगी ऑप्शन, और इसकी एक्चुअल वैल्यू जो सिलेक्ट होने के बाद वो होगी, वो इस वैल्यू एट्रीब्यूट में आएगा, ऑप्शन डॉट एक्चुअल वैल्यू। तो अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि एम्प्टी एरे है। ये एक वैल्यू मैंने डाल दिया है, अब यहाँ पे देखता हूँ मैं, तो ये देखिए कैटेगरी सब कैटेगरी यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे अभी बताया था मैंने, ये एक एक क्लास मैंने हर एक एलिमेंट पे डाल दिया है। तो जो सिलेक्ट का क्लास था, इस सिलेक्ट का जो एलिमेंट है इसकी 400 पिक्सल, और बाकी जो बुक टाइटल, ऑथर और प्राइस है उनके, उस उनका जो कंटेंट होने वाला है उसके हिसाब से मैंने 500 वगैरह सेट कर दिया। टाइटल बड़ा होगा इसलिए 500, बाकी ये बुक की प्राइस कम होती है इसीलिए 100 पिक्सल। तो API सर्विस में मैं एक सिंपल मेथड डाल देता हूँ गेट कैटेगरीज बोल के, जो कि एक बेसिक UI एंड पॉइंट होगा जो भी हमें बनाना पड़ेगा, और वो रिटर्न करेगा बुक कैटेगरीज का एरे। और वही मेथड को हम ये जो कंस्ट्रक्टर है अभी कंपोनेंट का, उधर से सब्सक्राइब करेंगे, API सर्विस डॉट गेट कैटेगरीज, इसको सब्सक्राइब कर दिया और इसका रिस्पॉन्स बुक कैटेगरी का एरे आ जाएगा। लेकिन जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें कैटेगरी और सब कैटेगरी अलग होंगे, लेकिन हमें उसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए रिस्पॉन्स डॉट फॉर ईच दिस डॉट कैटेगरी ऑप्शंस, इसके अंदर वो वैल्यू पुश करते जाएंगे। तो इसका जो वैल्यू होने वाली है वो C.ID, और डिस्प्ले वैल्यू जो होने वाली है वो इंटरपोलेटेड स्ट्रिंग यूज़ करूँगा मैं। तो इस तरीके से वो वैल्यू आ जाएगी, लेकिन API एंड पॉइंट हमने बनाया नहीं है तो वो बनाना पड़ेगा। तो ये बैकएंड में आ चुका हूँ मैं, यहाँ पे एक मेथड बनाऊंगा मैं, जो कि होगी HTTP गेट मेथड, जिसका नाम होगा गेट कैटेगरीज। कैटेगरीज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट बुक कैटेगरीज टू लिस्ट, सारी कैटेगरीज चाहिए, कैटेगरीज डॉट एनी, यानी कि एक भी अगर कैटेगरी हुई तो रिटर्न कर दो, ओके बोल के कैटेगरीज, और अगर नहीं हुई तो नॉट फाउंड रिटर्न हो जाएगा। और अब API को मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर कैटेगरीज दिखनी चाहिए, रिफ़्रेश, ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट गई, और ये देखिए सारे वैल्यूज़ अपने आप यहाँ पे डिस्प्ले होने लग गए। लेकिन ये टाइटल केस में करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पहले अल्फ़ाबेट स्मॉल केस है। तो वो सिंपल है, यहाँ पे बस एक पाइप लगाना पड़ेगा टाइटल केस बोल के, सेव किया। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कंप्यूटर और ये जो भी मशीन वगैरह आ रहे, एक नई कैटेगरी इंसर्ट करता हूँ,
ये इंसर्ट पे हो गई, अब रिफ़्रेश करना पड़ेगा क्योंकि बाद में रिक्वेस्ट जाएगी और नीचे देखता हूँ तो ये नई वैल्यू इसमें आ गई, तो कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है। अब इसका जो एक बटन होगा ऐड बुक का वो भी डालना पड़ेगा। तो अब ये बटन भी मैंने अभी के जैसा ही सेम डाला है जैसे ऐड कैटेगरी के लिए किया था, एक स्ट्रोक्ड बटन है वो जब तक ये न्यू बुक का फॉर्म इनवैलिड होगा तब तक ये डिसेबल रहेगा, और क्लिक करने के बाद ये फंक्शन कॉल होगा। तो वो फंक्शन बनाता हूँ मैं, ये ऐड न्यू बुक का फंक्शन है और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम इसके फॉर्म से रिट्रीव करेंगे। ये बुक का एक इंटरफेस हमने अभी बनाया था तो आईडी तो ज़ीरो रहेगी, टाइटल वगैरह सब अभी के जो फॉर्म है इसके अंदर से आ जाएगा। ये कैटेगरी ऑप्शन में जो वैल्यू एलिमेंट है और वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था ये वाला वैल्यू, तो इसकी जो वैल्यू सिलेक्टेड होने वाली है वो एक्चुअल में आईडी होने वाली है, तो इसीलिए मुझे सिर्फ बुक कैटेगरी के आईडी पॉपुलेट करना है। ये कैटेगरी का जो इंस्टेंस होगा वो एम्प्टी रहेगा। एपीआई सर्विस में वापस सेम एक ऐड बुक नाम की एक मेथड बनाएंगे जो कि बैकएंड में कॉल करेगा, ये एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा और रिस्पांस टेक्स्ट में आ जाएगा, उसे हम यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने का भी सेम लॉजिक है, वापस सब्सक्राइब किया, रिस्पांस अगर इंसर्टेड आया तो स्नैक बार में डाल दो बुक एडेड बोल के। अब यूआई में आता हूँ मैं, अभी के लिए बटन डिसेबल है। टाइटल में वैल्यू डाल दी ऑथर और इसकी इसमें भी एक वैल्यू डाल दी, लेकिन अभी तक देखिए मैंने कैटेगरी सिलेक्ट ही नहीं किया लेकिन ऐड बटन एनेबल हो गया, क्योंकि कैटेगरी की जो सिलेक्टेड वैल्यू है उसको हमने इसमें डाला ही नहीं है डिसेबल के लिए। तो यहाँ पे मैं और करता हूँ और जो अपना ये सिलेक्ट है इसे एक टेम्पलेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, कैटेगरी सिलेक्ट, सिलेक्टेड वैल्यू एम्प्टी है कि नहीं वो चेक करेंगे हम। तो या तो फॉर्म इनवैलिड हुआ या फिर कैटेगरी का सिलेक्टेड वैल्यू एम्प्टी हुआ तो इसे डिसेबल रखो। तो अब मैं वैल्यू डालता हूँ, 1 डाला तो अभी भी डिसेबल है, जैसे ही मैं कोई वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ एनेबल हो जाएगा, लेकिन बैकएंड में हमने एंड पॉइंट बनाया ही नहीं तो वो बनाना पड़ेगा। तो ये एक मेथड मैंने डाल दिया ऐड बुक बोल के, इनपुट लेगा बुक और फिर कॉन्टेक्स्ट डॉट बुक्स जो है उसमें ऐड कर देगा ये बुक और रिटर्न कर देगा इंसर्टेड, इतना ही था इसके अंदर। तो इसको मैं वापस रन करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या किया था मैंने, इस बुक्स को ऐड किया लेकिन मैंने सेव चेंजेस कॉल ही नहीं किया इसलिए वो सेव नहीं हुआ। तो अब वही बुक मैं वापस ऐड कर देता हूँ, बुक एडेड। अब व्यू बुक्स में जाता हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैं चेक कर रहा था, अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बुक इंसर्ट तो हो रही है जैसे डेटाबेस में अगर देखे तो नीचे देखिए टेम्प बुक इंसर्ट हो चुकी है, लेकिन कैटेगरी आईडी देखिए 1005 आया है, लेकिन 1005 अगर मैं देखूँ तो ये एम्प्टी हुआ है, इसलिए क्योंकि यूआई से जब हम सेंड कर रहे थे कैटेगरी तो मैंने एम्प्टी इंस्टेंस डाला था, तो एंटिटी फ्रेमवर्क और क्या कर रहा है कि इसकी एक नई कैटेगरी बना रहा है जो कि प्रॉब्लम है। बुक डॉट बुक कैटेगरी इक्वल टू नल, ये नल करके रखता हूँ। अब मैं वापस रन करता हूँ, ये ऐड कर देता हूँ बुक एडेड, डेटाबेस में देखता हूँ, अब ऐड नहीं हुआ नई कैटेगरी, और बुक्स में देखता हूँ तो ये नई बुक ऐड हो चुकी है और कैटेगरी देखिए बराबर 2 आ गई। अब व्यू बुक्स में जाके देखता हूँ, अपडेट हो जाना चाहिए यहाँ पे, तो नीचे देखिए टीवी बोल के टेम्पररी बुक और टेम्पररी ऑथर आ चुका है, तो ऐड बुक्स का भी काम कर रहा है अभी। तो इसके बाद आखिरी होगा हमारा डिलीट बुक का, जो कि बहुत ईजी है, सेम होगा इसके जैसा। तो ये मैट कार्ड डाल दिया है हेडर के साथ, डिलीट एग्जिस्टिंग बुक, मैट कंटेंट आएगा उसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए मैंने डिलीट बुक के लिए सिर्फ फॉर्म कंट्रोल लिया है क्योंकि हमारे पास एक ही एलिमेंट है आईडी का, दो तीन होते एक से ज़्यादा होते तो फॉर्म ग्रुप बनाते, और फिर कंस्ट्रक्टर में हमें एक ही एलिमेंट इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक वैलिडेटर होगा, और डिलीट बुक का जो फॉर्म होगा वो भी एक ही एलिमेंट होगा, मैट फॉर्म फील्ड बुक आईडी, और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल इस बार एट्रीब्यूट में डिलीट बुक डाल दिया। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। इसका बटन जो है वो भी अब सेम होगा, स्ट्रोक्ड बटन डिसेबल होगा जब तक ये इनवैलिड है तब तक, और क्लिक करने के बाद डिलीट एग्जिस्टिंग बुक कॉल होगा, वो फंक्शन इधर बना देता हूँ। फिर डिलीट एग्जिस्टिंग बुक फंक्शन बन गया, सेव किया तो ये बटन आ गया। अब वापस एपीआई सर्विस में सेम मेथड वापस बनानी पड़ेगी, डिलीट बुक नाम की मेथड है पर इस बार हमें जो मेथड यूज़ किया है वो HTTP की डिलीट मेथड यूज़ की है, ये एंड पॉइंट अभी बनाते हैं हम बाद में, और पैरामीटर्स में हमें आईडी डालना पड़ेगा ये, क्योंकि इस बार हमें एक स्पेसिफिक आईडी वाली बुक डिलीट कर रहे हैं। तो HTTP पैरामीटर में आईडी, रिस्पॉन्स टाइप टेक्स्ट और ये एंड पॉइंट कॉल कर दिया, और इसी मेथड को हम सब्सक्राइब करेंगे इस फंक्शन में। तो सबसे पहले तो मैं आईडी रिट्रीव करता हूँ बुक से, फिर एपीआई सर्विस में डिलीट बुक की मेथड कॉल की सब्सक्राइब करके, रिस्पॉन्स अगर डिलीटेड आया तो स्नैक बार में डिस्प्ले कर दो बुक डिलीटेड, और अगर कोई एरर आया तो बुक डज नॉट एग्जिस्ट, सेव।
अब एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो ये सी शार्प में हम एक एपीआई बना देंगे एंड पॉइंट HTTP डिलीट, जिसका नाम होगा डिलीट बुक। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि ये जो बुक की आईडी है जो सेंड किया हमने, वो एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है हम तभी डिलीट करेंगे, वरना नॉट फाउंड रिटर्न कर देंगे। तो अगर एग्जिस्ट है तो उस बुक्स को रिट्रीव करो, ये वाली बुक रिमूव कर दो और सेव चेंजेस। ये मे बी नल बोल रहा है लेकिन हम नॉट कर देंगे क्योंकि हमें पता है ये नल नहीं है। और रिटर्न ओके डिलीटेड बोल के सेंड कर देंगे। रन करके देखता हूँ, पहले मैं इनवैलिड आईडी डालता हूँ, ये डिलीट बुक डज़ नॉट एग्जिस्ट, तो ये तो आ गया 1002। ओके डिलीट बुक हैज़ बीन डिलीटेड। अब डेटाबेस में जाके चेक करता हूँ तो वो बुक निकल चुकी है। और यूआई में देखता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से नीचे यहाँ पे बुक आई थी वो निकल गई, अब नहीं है। तो ये डिलीट का फीचर भी काम कर रहा है। तो ये मेंटेनेंस का काम यहाँ पे हो गया है। तो एडमिन को लाइब्रेरी के अंदर कोई भी कैटेगरी ऐड करनी है तो यहाँ से करेगा, बुक ऐड करना है तो यहाँ से, डिलीट करना है तो ये, तो पूरा मेंटेनेंस यहाँ से हो जाएगा लाइब्रेरी का। इसके बाद अगर कोई बुक रिटर्न करने को आया स्टूडेंट तो वो किस तरीके से होगा वो हम अभी देखेंगे। तो अब हम रिटर्न बुक का एक कंपोनेंट बनाएंगे। तो रिटर्न बुक में कुछ इस तरीके से एक फॉर्म होगा, तो उसके लिए एक रिटर्न बुक का कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। ng जनरेट कंपोनेंट बुक्स के अंदर रिटर्न बुक और नो स्टैंड अलोन का फ्लैग डाल दिया और यह कंपोनेंट बन चुका है। अब इस कंपोनेंट का राउट भी ऐड कर देता हूँ। राउट्स में ये मेंटेनेंस के नीचे रिटर्न बुक नाम का राउट है और ये कंपोनेंट इंपोर्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे यूआई में मैं रिटर्न बुक में जाता हूँ तो रिटर्न बुक वर्क्स आएगा। तो मैंने वापस देखिए यहाँ पे टेम्पररी साइड नेव को क्लोज कर दिया, बाद में ऑन कर दूंगा। तो इसमें आएगा सबसे पहले मैट कार्ड, उसके अंदर आएगा मैट कार्ड हेडर रिटर्न बुक। मैट कार्ड कंटेंट के अंदर होगा हमारा फॉर्म। अब कंटेंट के अंदर पहला एलिमेंट आएगा अपना मैट फॉर्म फील्ड का, और इसका देखिए अपियरेंस मैंने आउटलाइन रखा है तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आउटलाइन आ जाएगी और प्लेस होल्डर यहाँ पर ऊपर जाएगा। और बुक आईडी भी सेम है तो यही कॉपी पेस्ट करके इसको चेंज कर देता हूँ। बुक आईडी फाइन का एक डिवीजन एलिमेंट बनाता हूँ, उसमें आएगा एक बटन गेट फाइन बोल के, ये होगा मैट स्ट्रोक्ड बटन, कलर इसका होगा एक्सेंट। और इस फाइन को दिखाने के लिए स्पैन एलिमेंट होगा, अभी के लिए मैं बस लिख देता हूँ 500 रुपीज़। और उसके नीचे आएगा रिटर्न बुक का बटन मैट स्ट्रोक्ड बटन कलर एक्सेंट। इतना ही HTML ऐड करना था। अब इसका CSS लगाता हूँ। मैट कार्ड का मैंने मैक्स कंटेंट कर दिया विड्थ, तो जितना कंटेंट है उतना ही आएगा। इसके अंदर जो मैट फॉर्म फिल्ड होने वाला है राइट मार्जिन डाल के 1 रैम, तो इसके बीच में गैप आएगी। अब जो फाइन का सेक्शन था अपना, उसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अब उसके बाद जो अपना स्पैन एलिमेंट था, जितनी बची हुई स्पेस है वो पूरी फिल कर लेगा, तो फ्लेक्स 1 1 ऑटो कर दूंगा उसको। अब ये चिपक के आ रहे हैं इसीलिए मैं इसके अंदर गैप डाल देता हूँ 1 रैम का, ये 1 रैम का गैप डाल दिया। और जो ये कंटेंट है अभी जो मैं स्पैन एलिमेंट में डाला, इसको भी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करके अलाइन आइटम सेंटर करता हूँ, तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसके फॉन्ट की प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ, फॉन्ट साइज 1.5 रैम और बोल्ड स्टाइल इटैलिक कर देंगे कुछ इस तरीके से। और जो रिटर्न बुक था उसके भी फॉन्ट मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ। अब इसकी वजह से क्या हो गया, गेट फाइन का जो बटन है ये बहुत बड़ा हो गया क्योंकि विड्थ मैंने 100% कर दिया, प्रॉब्लम हो गया। फाइन के अंदर और एक बटन का टैग डाल देता हूँ, विड्थ उसकी मैक्स कंटेंट कर देंगे, तो ये सिर्फ इसी बटन को टारगेट करेगा। और फिर जो गेट और ये फाइन का जो एलिमेंट है इसके नीचे भी मैंने एक मार्जिन डाल दिया तो ये नीचे आएगा। तो CSS का काम यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब जो ये यूज़र आईडी और बुक आईडी है इसका रिएक्टिव फॉर्म बनाता हूँ मैं। तो यहाँ पे रिटर्न फॉर्म बोल के एक फॉर्म ग्रुप होगा कंस्ट्रक्टर में, उसको इनिशियलाइज कर लेंगे, पर पहले फॉर्म बिल्डर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके अंदर सिर्फ 2 ही फील्ड होने वाले हैं जो कि होंगे यूज़र आईडी और बुक आईडी, और उसके ऊपर ये वाले वैलिडेटर्स भी होंगे जो कि सिर्फ रिक्वायर्ड ही होने वाले, और इनिशियल वैल्यू नल होगी। फॉर्म ग्रुप रिटर्न फॉर्म, फॉर्म कंट्रोल नेम में यूज़र आईडी और नीचे बुक आईडी। तो अब स्टार भी आ गया यानी कि कनेक्ट हो चुका ही है। तो अब यहाँ पे प्रोसीजर किस तरीके से होगी कि कोई भी जो यूज़र है वो एडमिन के ऑफिस में जाएगा और वहाँ पे रिटर्न करने के लिए बुक देगा। तो एडमिन इस पैनल पे आकर उसका यूज़र आईडी पूछ के यहाँ पे डाल देगा, उसके बाद जो बुक रिटर्न करनी है उसकी आईडी यहाँ पे डाल देगा। अब हो सकता है कि यूज़र ने बहुत देर से रिटर्न किया हो तो उसका फ़ाइन भी चाहिए होगा, तो पहले एडमिन चेक करेगा उसके ऊपर कोई फ़ाइन है कि नहीं। तो गेट फाइन पे क्लिक करेंगे तो हम बैकएंड में रिक्वेस्ट भेजेंगे और
फ़ाइन रिट्रीव करेंगे, यूज़र इस यूज़र ने इस बुक के लिए कितना फ़ाइन है वो कैलकुलेट करेंगे और वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। जैसे ही डिस्प्ले होगा वो यूज़र उस पर पेमेंट कर देगा UPI कैश जैसे करना है वैसे, और फिर एडमिन यहीं से रिटर्न बुक पे क्लिक कर देगा और वो रिटर्न हो जाएगा। तो ये जो गेट फाइन का बटन था इसके ऊपर मैंने एक फंक्शन डाल दिया, क्लिक करने के बाद ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन यहाँ पर बनाना पड़ेगा गेट फाइन। अब उसके लिए हमें पहले यूज़र ID और बुक ID लगेगी, तो वो फॉर्म से रिट्रीव कर लूँगा मैं। अब इसके लिए मैं अलग से API सर एंड पॉइंट बना सकता हूँ बैकएंड में। ये वाला API हमने ऑलरेडी बनाया था कि यूज़र ID पास करेंगे और यूज़र के सारे ऑर्डर्स हमारे पास आ जाएंगे, तो इसी में वो बुक का जो ऑर्डर है वो भी आ ही जाएगा। बस यही ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड पॉइंट यूज़ करने का है। तो ये API सर्विस और मैट स्नैक बार मैंने इंजेक्ट कर दिया है। API सर्विस में ऑर्डर्स ऑफ यूज़र, यूज़र ID पास करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, जो रिस्पॉन्स आएगा वो होगा ऑर्डर मॉडल का एरे होगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे, लेकिन उसमें से हमें वही ऑर्डर चाहिए जो इस बुक के लिए किया गया हो। लेकिन अगर ये बुक के लिए ऑर्डर किया ही नहीं है और गलत बुक ID एंटर किया तो एरर दिखाना पड़ेगा। तो वो चेक करने के लिए यहाँ पे एक मेथड आती है, रिस्पॉन्स जो एरे आया इस पे एक सम बोल के मेथड होती है। तो ऑर्डर्स में हम पहले तो चेक करेंगे ऐसे ऑर्डर्स जो अभी तक रिटर्न नहीं किए गए, क्योंकि उसी के ऊपर फ़ाइन लगेगा। और उसके बाद मुझे चेक करना है कि जो बुक ID आई है वो और जो एडमिन ने एंटर किया वो सेम है कि नहीं। अगर ऐसा कोई ऑर्डर मिला तो ही फ़ाइन कैलकुलेट करो, वरना एरर डिस्प्ले कर दो। तो यहाँ पे मैं एरर डिस्प्ले करूँगा, यूज़र डजेंट हैव बुक ID विथ दिस ID। यूज़र ID मेरा ही डालता हूँ अभी, और कोई भी बुक ID डाल देता हूँ मैं, इनवैलिड गेट फाइन। तो यूज़र डजेंट हैव बुक विथ दिस ID। अगर बुक ID वैलिड हुई तो हमें फ़ाइन कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियोज़ को देखा है जो स्टूडेंट पैनल बनाया था, उसमें मैंने फ़ाइन ऑलरेडी कैलकुलेट करने का फंक्शन लिखा था। बस यहाँ पे मैं और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो फ़ाइन कैलकुलेट करने का रूल क्या है कि जिस भी दिन यूज़र ने ऑर्डर किया बुक को, उसके बाद 10 दिन तक वो अपने पास रख पाएगा और 11वें दिन से फ़ाइन लगना चालू होगा। हर दिन ₹50 का फ़ाइन लगेगा। तो 1 तारीख को ऑर्डर किया तो शुरुआत के 10 दिन तो फ़ाइन लगेगा नहीं, तो 11 तारीख तक हमें फ़ाइन लगाना नहीं है। लेकिन 11 तारीख के बाद जितने दिन हुए उसको ₹50 करना पड़ेगा। तो समझ लो 16 तारीख चल रही है तो 5 डेज हो गए, तो 5 × 50 250 का फ़ाइन लग जाएगा। तो इस तरीके से हम फाइन कैलकुलेट कर रहे हैं, और वही मैं यहाँ से कॉल करूँगा। उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे फ़ाइन टू पे बोल के वेरिएबल बनाया है, नंबर और नल होगा, बाय डिफ़ॉल्ट नल होगा ये। तो जो ऑर्डर अभी हमने सर्च किया वो ऑर्डर हमें चाहिए, तो वो ऑर्डर फेच किया और फिर API सर्विस में से गेट फाइन और ये ऑर्डर हम पास कर देंगे उसमें। अब जैसे ही फ़ाइन यहाँ पे आ जाएगा, ये हमें UI में डिस्प्ले भी करना है। यहाँ पे जो 500 लिख के रखा था अब उसको मैं चेंज करता हूँ और फ़ाइन टू पे लिख दूँगा। नाम से मेरा ऑर्डर ID और वो एक नंबर की बुक ID मैंने ऑर्डर किया था, तो गेट फाइन, तो इतना फ़ाइन इसके ऊपर लग चुका है। तो बुक ID 1 को मैंने 28 अक्टूबर को ऑर्डर करके रखा था, तो 8 तारीख से 30 तारीख तक टोटल 23 दिन हो जाएंगे, और उसके ऊपर आज 9वां दिन चालू है दिसंबर का, तो टोटल 32 डेज हो गए। तो 32 × 50 1600, यानी कि ये कैलकुलेट बराबर हो रहा है। अब देखिए मैंने वेबसाइट को रिफ़्रेश किया, तो अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये RS लिख के आ रहा है, लेकिन ये नहीं चाहिए हमें ऐसा। तो सिंपल है, उसके लिए बस यहाँ पे स्पैन एलिमेंट पे एक NG स्टाइल का एट्रीब्यूट डालना है। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है वो नन होगी अगर फाइन टू पे नल हुआ तो, दिखेगा ही नहीं। और अगर फाइन टू पे नल नहीं हुआ, कुछ तो वैल्यू है, तो ये फ्लेक्स कर देंगे। सेव किया तो अब देखिए दिखेगा ही नहीं। फ़ाइन रिट्रीव होने के बाद रिटर्न भी करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद रिटर्न बुक नाम का फंक्शन कॉल होगा। वो फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ, ये फंक्शन बन गया। अब वापस से उसकी यूज़र ID और बुक ID लूँगा। अब इसके लिए हमें API सर्विस बनानी पड़ेगी। तो ये API सर्विस में मैंने फंक्शन लिख दिया है रिटर्न बुक, जो कि इनपुट लेगा यूज़र ID और उसकी बुक ID, और उसने जितना फ़ाइन भरा है वो 3 पैरामीटर्स इनपुट लेगा, और ये तीनों हमें गेट रिक्वेस्ट से बैकएंड में सेंड करना पड़ेगा इस एंड पॉइंट पे। तो ये एंड पॉइंट भी हम बना देंगे, और इसको हमें यहाँ पे सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। अब जो रिस्पांस आएगा उसमें देखेंगे कि अगर रिटर्न्ड बोल के रिस्पांस आया तो मैसेज सेंड करो बुक हैज़ बीन रिटर्न्ड, और अगर ऐसा नहीं आया तो बुक हैज़ नॉट रिटर्न्ड। अब बैकएंड में एंड पॉइंट बनाएंगे, तो ये बैकएंड में यहाँ पे एक नया एंड पॉइंट डाल देता हूँ मैं,
HTTP गेट रिटर्न बुक, और वही तीन पैरामीटर्स लेंगे यहाँ पे। सो सबसे पहले तो मैं इस ऑर्डर को रिट्रीव करूँगा, तो ये ऑर्डर सिंगल और डिफ़ॉल्ट जो इस यूज़र ने इस बुक के लिए किया होगा वो ऑर्डर लूँगा मैं। इज ऑर्डर नॉट नल, तभी आगे जाएंगे एल्स नॉट रिटर्न, तो अगर ऑर्डर प्रोसेस हुआ तो रिटर्न, वरना नॉट रिटर्न। अब वो ऑर्डर अगर मिला तो सबसे पहले उस ऑर्डर की रिटर्न वैल्यू जो फील्ड है वो ट्रू कर देंगे, फिर उसकी रिटर्न डेट भी हमें डालनी है जो कि आज की होगी, और ऑर्डर डॉट फाइन पेड जो फाइन रिटर्न हुआ है इनपुट आया है वो। तो सबसे पहले मैं बुक को रिट्रीव करता हूँ, सिंगल ऑर्डर्ड वाली फील्ड है उसमें फॉल्स कर देता हूँ, और कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, और फिर रिटर्न बोल के रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे रन करता हूँ मैं, व्यू बुक्स में अगर मैं आऊँ तो मैंने ये वाले बुक्स ऑर्डर करके रखे वन, अभी के लिए मैं जो 6 वाली बुक है वो रिटर्न कर देता हूँ। एडमिन के पास गया, एडमिन को बोल दिया कि बुक रिटर्न करना है, एडमिन ने ये फॉर्म खोला, मेरा यूज़र आईडी डाला और जो बुक रिटर्न करना है वो डाला, गेट फाइन, तो इतना फ़ाइन मुझे भरना पड़ेगा, मैंने फ़ाइन भर दिया और इसके ऊपर मैं रिटर्न कर देता हूँ, तो बुक हैज़ बीन रिटर्न। अब व्यू बुक्स में आता हूँ, 6 नंबर की बुक देखिए ये चेंज हो चुका है, अब ये पहले ब्लैक आ रहा था अभी ग्रीन, क्योंकि अभी अवेलेबल हो चुकी है, तो रिटर्न का काम यहाँ पे पूरा हो गया, बराबर रिटर्न हो रही है बुक। तो अब ये अप्रूवल रिक्वेस्ट बनाने के लिए हमें एक टेबल की ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए तो टेबल में अलग अलग कॉलम्स होने वाले हैं, उसका व्यू यूजर्स का कंपोनेंट बनाया तो उसमें भी टेबल्स होने वाले, और ऑल ऑर्डर्स के अंदर 2 टेबल्स होने वाले, माई ऑर्डर्स के अंदर अभी डेटा नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे भी टेबल्स होने ही वाले। तो टेबल भले ही अलग अलग कंपोनेंट्स में डिस्प्ले हो, लेकिन इनके अंदर जो कॉलम्स है वो कुछ कुछ जगह पे सेम कॉलम्स है और कुछ जगह पे अलग है। मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा टेबल का जो कि हम अलग अलग कंपोनेंट्स में यूज़ करेंगे, ताकि हमें बार बार कोड लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो पहले मैं वो टेबल का कंपोनेंट बनाऊंगा और उसके बाद हम ये अप्रूवल रिक्वेस्ट बनाना चालू करेंगे। अब जो टेबल होने वाला है हमारा वो शेयर्ड कंपोनेंट में होगा, क्योंकि अलग अलग जगह पे यूज़ होगा, इसलिए ng जनरेट कंपोनेंट, और ये हमारा कंपोनेंट बन चुका है। अब इसके बाद मैं एक अप्रूवल रिक्वेस्ट नाम का कंपोनेंट बनाऊंगा, ताकि हम वो ये जो टेबल बनाया है ये डिस्प्ले भी कर पाए। ng जनरेट कंपोनेंट अप्रूवल रिक्वेस्ट यूज़र्स के अंदर होगा, ये कंपोनेंट बन चुका है। तो अब यहाँ पर अप्रूवल रिक्वेस्ट का राउट ऐड करेंगे, ये रिटर्न बुक के नीचे ये अप्रूवल रिक्वेस्ट, तो अप्रूवल रिक्वेस्ट वर्क्स यहाँ पे आ रहा है। अभी के लिए मैं यहाँ पे बस, अब यहाँ पे मैंने पेज लिखा है लेकिन वो मुझे रिकमेंड में नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने वो एक्सपोर्ट ही नहीं किया। शेयर्ड मॉड्यूल, यहाँ पे अभी जो हमने कंपोनेंट बनाया वो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, पेज टेबल कंपोनेंट। अब एक्सपोर्ट करूँगा तो यहाँ पे वो मिल जाएगा, पेज टेबल। ये जो अप्रूवल रिक्वेस्ट का कंपोनेंट बना, यहाँ पे मैं नो स्टैंड अलोन का फ्लैग डालना भूल गया, इसलिए ये स्टैंड अलोन बन गया, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और इसका जो मॉड्यूल होगा इधर हम डिक्लेरेशन में इसको डाल देंगे। अब यहाँ पे पेज टेबल आ चुका है, तो अब यहाँ पे पेज टेबल दिख रहा है। अब पेज टेबल के टाइपस्क्रिप्ट फाइल में हमें कॉलम्स का एक एरे बनाना पड़ेगा, जहाँ पे एक इनपुट प्रॉपर्टी होगी कॉलम्स की, जहाँ पे भी हम इनपुट सेंड करवाएंगे इस कंपोनेंट को, तो @ इनपुट कॉलम्स जो कि होगा स्ट्रिंग का एरे, कॉलम 1 डाल देता हूँ, बाद में डिलीट कर देंगे, और दूसरी प्रॉपर्टी होगी इनपुट की ही डेटा सोर्स। अब अभी के लिए मैं इसको यूज़र का जो मॉडल है इसका एरे रखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने बस एक टेम्पररी डेटा डाल दिया इसमें, ये हम यहाँ पे टेबल में डिस्प्ले करेंगे अभी के लिए। टेबल इसमें आएगा मैट टेबल का एट्रीब्यूट, और इसका डेटा सोर्स होगा ये वाला डेटा सोर्स। अब इसमें मैं सबसे पहला कॉलम डालता हूँ इसका कोड, तो ये कॉलम डेफिनेशन होगा यूज़र आईडी, तो अगर इस एरे के अंदर यूज़र आईडी हुआ तभी ये यूज़र आईडी डिस्प्ले होगा, वरना डिस्प्ले ही नहीं होगा। उसके बाद ये यूज़र नेम, जिसको मैंने बस नेम डाल के रखा है, और एलिमेंट का फर्स्ट नेम जो कि यूज़र का एरे होगा इसलिए फर्स्ट नेम, और उसमें लास्ट नेम। ये ईमेल के लिए भी सेम, ये यूज़र टाइप यहाँ पे भी सेम है, बस कोड कॉपी कर रहा हूँ, पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी बना के रखा है सब, तो आपने वो नहीं देखा तो वही देख लीजिए, बार बार मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये क्रिएटेड ऑन, तो अभी के लिए मैंने इतने कॉलम्स डाल दिए हैं। अब जो हमने सिर्फ यहाँ पे कॉलम्स डाले हैं, इसके अलावा हमें रोज़ भी डालने पड़ेंगे, तो उसके लिए ये कोड डाला है मैट हेडर रो। अभी के लिए देखिए यूज़र आईडी आ गया और इसके नीचे इसका डेटा आ गया है। अब यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो सारे कॉलम्स हमने डाले हैं, लेकिन आउटपुट में सिर्फ एक ही कॉलम दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट ये जो कॉलम्स का वैल्यू है, जो भी हमने कॉलम का नाम डाला है वही कॉलम डिस्प्ले होगा, भले ही HTML में सारे कॉलम्स हो। तो हम जिस भी कंपोनेंट से कॉलम डिस्प्ले करना चाहते हैं वहाँ से हम सिर्फ वही नाम सेंड करेंगे जो हमें डिस्प्ले कराना है, बाकी के डिस्प्ले ही नहीं होंगे।
अब ये यूज़र नेम अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया तो आउटपुट में देखिए नेम भी आ गया। अब ये वाला जो कॉलम कह रहे हैं यहाँ से मैं निकाल देता हूँ और वहाँ यहाँ पे डाल देता हूँ ये, तो ये अप्रूवल रिक्वेस्ट में आ गया। अब यहाँ से हम पेज टेबल को इनपुट सेंड करेंगे, कॉलम्स और ये कॉलम्स, सेव किया। आउटपुट देखिए तो देखिए सेम ही आउटपुट आ रहा है, और जो डेटा सोर्स आने वाला है वो यहाँ से नहीं आएगा, वो हम खुद ही सेंड करने वाले वहीं से, वो हम यूज़र्स नाम से यहाँ पे स्टोर करेंगे, यूज़र्स का एरे होगा और ये हम वहाँ पे सेंड कर देंगे। डेटा सोर्स भी आएगा यूज़र्स, लेकिन यूज़र्स के अंदर अभी कुछ होगा नहीं क्योंकि वो हमें बैकएंड से लेना पड़ेगा। तो उसके लिए API सर्विस में वापस एक मेथड बनानी पड़ेगी जो कि सिंपल है, गेट यूज़र्स। तो गेट यूज़र्स नाम का एक एंड पॉइंट बनाएंगे और सारे यूज़र्स रिटर्न करेंगे। तो ये बैकएंड में मैं आ चुका हूँ, जो .NET में हम एक एंड पॉइंट बनाएंगे गेट यूज़र्स, बल्कि HTTP गेट मेथड, और रिटर्न हमें करना है कॉन्टेक्स्ट डॉट यूज़र्स डॉट टू लिस्ट, इतना ही एंड पॉइंट बनाना है हमें। तो इसको मैं रन कर देता हूँ, API सर्विस इंपोर्ट इंजेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने गेट यूज़र्स को सब्सक्राइब कर दिया। तो जो भी रिस्पॉन्स में यूज़र का एरे आएगा वो इस यूज़र्स में स्टोर होगा। जैसे मैं सेव करता हूँ, आउटपुट देखता हूँ और सिर्फ दो ही कॉलम आ रहे हैं क्योंकि मैंने दो ही सेंड किए इसको। तो इसकी जगह पे मैं सारे कॉलम्स डाल देता हूँ, और अब देखो, तो अब देखिए अपने आप डिस्प्ले हो गए। लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ वही यूज़र्स के नाम चाहिए जो अनअप्रूव्ड है, क्योंकि ये अप्रूवल रिक्वेस्ट है। तो जो एरे हमारा आ रहा है यहाँ पे, इसको हमें फ़िल्टर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैंने देखिए फ़िल्टर की कंडीशन डाल दी, अकाउंट स्टेटस इक्वल इक्वल टू अकाउंट स्टेटस डॉट अनअप्रूव्ड। तो अब सिर्फ अनअप्रूव्ड ही दिखेंगे। अब मैं इसमें करता हूँ तो ये देखिए मैंने एक टेम्प नाम से एक अलग यूज़र अभी बनाया था वो, और एक ऑलरेडी पहले ही था शायद से, तो वो दोनों यूज़र टाइप यहाँ पे आ गए। और जो टेबल है उसका हेडर सेल और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो भी हमें बढ़ाना है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और हेडर सेल का जो फॉन्ट स्टाइल है वो इटैलिक करना है, तो अब ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो यूज़र का टेबल डिस्प्ले करने का काम यहाँ पे हो चुका है। अब अप्रूवल रिक्वेस्ट का जो पहले के जैसा यहाँ पे होता है, ऊपर अप्रूवल रिक्वेस्ट आते हैं और नीचे टेबल, और यहाँ पे एक बटन भी आता है वो भी हमें डालना पड़ेगा। तो अप्रूवल रिक्वेस्ट में इसके ऊपर मैं मैट कार्ड डाल देता हूँ, मैट कार्ड का कंटेंट में पेंडिंग यूज़र्स का लेंथ डाल देंगे। तो यहाँ पे दो पेंडिंग अप्रूवल्स है, लेकिन इसके नीचे हमें मार्जिन चाहिए। तो मैट कार्ड की मार्जिन बॉटम 2 RAM और इसकी हाइट विड्थ जो है वो मैक्स कंटेंट के बराबर। अब यहाँ पे हमें एक नया कॉलम ऐड करना है, तो ये पेज टेबल में आ गया। यहाँ पे एक और कंपोनेंट, एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो ये नया कॉलम ऐड कर दिया है अप्रूव बोल के, तो सेम है बस अप्रूव है, और इसके अंदर एक रेज्ड बटन है अप्रूव बोल के। अब टाइप स्क्रिप्ट की जो फाइल है अप्रूव्ड कंपोनेंट में, यहाँ पे मैं जो नया कॉलम ऐड किया वो डिस्प्ले कर दूंगा अप्रूव। तो अब ये बटन आ गया, लेकिन जैसे ही ये बटन हम क्लिक करेंगे, जो कि एक्चुअल में पेज टेबल के अंदर है अभी, तो हमें अप्रूवल रिक्वेस्ट में उसकी वैल्यू आनी चाहिए कि क्लिक किया है, वो इवेंट आना चाहिए। तो इस बटन पे क्लिक करने के बाद हमें अप्रूव नाम का एक इवेंट रेज करना है, जो कि हम अप्रूवल रिक्वेस्ट में हम कैच करेंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे पहले आउटपुट डेकोरेटर यूज़ करना पड़ेगा, अप्रूव बोल के न्यू इवेंट एमिटर, और ये एमिट करेगा एक यूज़र। सीधा हम यहीं से अप्रूव नाम का एक इवेंट लेंगे और एमिट कर देंगे डेटा के साथ। तो अप्रूवल रिक्वेस्ट में यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे देखिए आ गया अप्रूव बोल के। अप्रूव करेंगे तो एक अप्रूव नाम की फंक्शन हम बनाएंगे और इसमें इवेंट का जो डेटा है वो अप्रूव करेंगे। मैंने फंक्शन इस तरह बना के रखा है अप्रूव बोल के, ये मेन मेथड होने वाली है जो कि अप्रूवल रिक्वेस्ट के कंपोनेंट में है। तो अभी यहाँ से मैंने लॉग किया है, तो अभी ये काम कर रहा है कि नहीं देखता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये अपना कंसोल है, एम्प्टी है। अभी मैं अप्रूव पे क्लिक करता हूँ, यूज़र आईडी 2 है, अप्रूव किया। कंसोल में देखिए आ गया पूरा डेटा, जो भी हमने अप्रूव किया था उन सबका डेटा आ गया। तो ये अप्रूव का रिक्वेस्ट बराबर काम कर रहा है। अब जैसे ही डेटा हमारे पास अप्रूवल रिक्वेस्ट में आ गया, तो यहाँ से हम बैकएंड में API भेज के जो भी काम कर रहा है वो हम कर पाएंगे। तो अब API सर्विस में एक मेथड डालता हूँ अप्रूव रिक्वेस्ट बोल के, जो कि एक यूज़र आईडी लेगा। इस यूज़र आईडी का रिक्वेस्ट हमें अप्रूव करने, तो पैरामीटर में बस ये यूज़र आईडी सेंड करेंगे इस एंड पॉइंट पे, और ये एंड पॉइंट अभी हम बनाएंगे। अब यहाँ से सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो ये मैट स्नैक बार मैंने इंपोर्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने सब्सक्राइब भी कर दिया अप्रूवल रिक्वेस्ट। अगर रिस्पॉन्स अप्रूव आया तो अप्रूव्ड फॉर दिस यूज़र आईडी, और अगर नहीं आया तो नॉट अप्रूव्ड, सेव कर दिया।
अब यहाँ पे बैकएंड में मैं एक एंड पॉइंट बनाता हूँ अप्रूव रिक्वेस्ट बोल के, इनपुट लेगा यूज़र आईडी। तो सबसे पहले वो यूज़र जो है वो फेच करना पड़ेगा हमें, उसके बाद हम चेक करेंगे अगर यूज़र नल नहीं है तो ही जो करना है वो करो, वरना नॉट अप्रूव। अब यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि यूज़र का अकाउंट स्टेटस जो है वो अनअप्रूव्ड होना चाहिए, तभी हम इसको अप्रूव करेंगे। और यहाँ पे बस स्टेटस को हमें एक्टिव करना है, ये अकाउंट स्टेटस इक्वल टू एक्टिव कर दो और सेव चेंज कर दो। लेकिन इसके अलावा हमारा एक और फीचर है कि जैसे ही एक्टिव हो जाएगा यूज़र अप्रूव, तो हमें ईमेल सेंड करना है यूज़र को। तो उसके लिए हमने जो सेंड ईमेल नाम की एक फंक्शन बनाया था ईमेल सर्विस में, सेंड ईमेल, ये पिछली वीडियो में हमने बना के रखा है सब कुछ। JWT ऑथराइजेशन की जो वीडियो थी, इसके पहले की पहले वाली वीडियो, उसमें मैंने ईमेल सर्विस पूरा कैसे सेटअप करना है वो बताया था, वो देख लीजिए अगर नहीं देखा तो। तो टू ईमेल हम सेंड करेंगे यूज़र डॉट ईमेल, तो सब्जेक्ट होगा अपना अकाउंट अप्रूव्ड। और अब ये जो बॉडी होने वाली है वो तीन इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, क्योंकि ये इस तरीके से मल्टी लाइन है इसीलिए। तो यहाँ पे हाय यूज़र का नेम, योर अकाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय एडमिन एंड नाउ यू कैन लॉग इन टू योर अकाउंट, ये रिटर्न अप्रूव्ड कर देंगे। अब रन करता हूँ, तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो ईमेल्स है ये अवेलेबल ही नहीं है, मैंने टेम्पररी टेस्ट के लिए डाले थे, तो अप्रूव करने के बाद भी जाएगा नहीं रिक्वेस्ट। इसको मैं लॉग आउट करता हूँ और जो मैंने मेरा खुद का अकाउंट बनाया था उसको डिलीट करता हूँ और वापस नया अकाउंट बनाता हूँ ताकि मुझे ईमेल आ जाए। तो अब यहाँ पर मैंने टेम्पररी अभी जो डेटा डाला था मेरे खुद का अकाउंट का डाला है, रजिस्टर करता हूँ तो योर अकाउंट हैज़ बीन सेंड फॉर अप्रूवल आ गया। अब लॉगिन करके देखता हूँ तो एरर आना चाहिए क्योंकि अभी तक अप्रूव हुआ नहीं है, तो योर अकाउंट इज़ नॉट अप्रूव्ड। तो अब एडमिन से लॉगिन करके इसे देखता हूँ, रिक्वेस्ट आ जानी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए ये रिक्वेस्ट आ चुकी है, अब यहाँ से मैं करता हूँ इसको अप्रूव, तो अप्रूव्ड फॉर दिस आईडी, तो ये अप्रूव हो गया। और अगर ईमेल में देखूँ तो हाय योर अकाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय एडमिन नाउ यू कैन लॉग इन टू योर अकाउंट, तो ये ईमेल भी मुझे आ चुका है। इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये निकल जाएगा। अब लॉग आउट करता हूँ और वहाँ से लॉग इन करके देखता हूँ, तो लॉग इन कर दिया तो स्टूडेंट पैनल आ गया और व्यू बुक्स पे गया, सारी बुक्स यहाँ पे आ चुकी है। तो कुछ इस तरीके से हमारा अप्रूव का कंपोनेंट जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, बराबर अप्रूव हो रहा है हर जगह पे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने सिर्फ एक कंपोनेंट बनाया टेबल का, और जिसमें हमने कॉलम सेंड किए और डेटा सोर्स सेंड किया। तो इस पेज टेबल कंपोनेंट की वजह से कोड हमें बहुत कम लिखना पड़ेगा और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड हम रीयूज़ कर पाएंगे बार बार, तो इसका ये एडवांटेज है। तो अब हम बनाएंगे ये ऑल ऑर्डर्स का कंपोनेंट। तो ऑल ऑर्डर्स का कंपोनेंट देखिए, इसमें सबसे पहला जो कार्ड है यहाँ पे हेडर होगा कि ऑर्डर्स विथ पेंडिंग रिटर्न्स कितने हैं टोटल, और फिर ईमेल सेंड करना है ईमेल अबाउट पेंडिंग रिटर्न्स, अभी तक रिटर्न नहीं किया उनको ईमेल सेंड करेंगे कि आपका इतना फ़ाइन हो गया है, आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा, 500 रुपये से ज़्यादा फ़ाइन हुआ तो ओवरड्यू हो जाएगा, तो उस केस में हमें उनका अकाउंट ब्लॉक करना पड़ेगा। लेकिन एक एक करके सबका अकाउंट ब्लॉक करना पॉसिबल नहीं है, तो एडमिन सिर्फ ये बटन पे क्लिक करेगा और वो सारे यूजर्स का अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा अपने आप। तो वो बैकएंड में कोड हमें लिखना होगा और फिर हम ऑर्डर फेच करके यहाँ पे डिस्प्ले भी करेंगे। तो दो टेबल्स लगने वाले हैं, लेकिन क्योंकि हमने अभी कॉमन टेबल बनाया है पेज टेबल बोल के, तो हम उसी टेबल का यूज़ करके इसमें डालेंगे ng जनरेट कंपोनेंट यूज़र्स के अंदर ऑल ऑर्डर्स और नो स्टैंड अलोन, और ये अपना कंपोनेंट बन चुका है। इसका राउट भी ऐड करना पड़ेगा, तो राउटर्स में ये अप्रूवल रिक्वेस्ट के नीचे ऑल ऑर्डर्स का राउट डाल दिया और इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें तो ऑल ऑर्डर्स वर्क बोल के आ रहा है, इसमें पहले वो हेडर बनाएंगे मैट कार्ड का यूज़ करके। ये मैट कार्ड आ गया, मैट कार्ड कंटेंट, और उसके अंदर मैंने H1 का टैग डाल दिया ऑर्डर्स विथ पेंडिंग रिटर्न्स, यहाँ पे बाद में काउंट डाल देंगे हम। तो अभी यहाँ पे कार्ड आ चुका है, इसके नीचे हमें वो बटन्स चाहिए, तो अब यहाँ पे मैं दो बटन्स डालूंगा, मैट रेज्ड बटन, इनका कलर होगा एक्सेंट, सेंड ईमेल अबाउट पेंडिंग रिटर्न्स और ब्लॉक ओवरड्यू यूजर्स। तो अभी के लिए ये एक के बाजू में एक आ रहे हैं, इनके बीच में गैप डालनी पड़ेगी। तो SCSS में यहाँ पे मैंने मैट कार्ड में मार्जिन बॉटम 1 रेम डाल दिया, और जो इनके अंदर बटन्स हैं उनकी मार्जिन राइट 1 रेम। तो अभी के लिए इतना CSS इसका काफ़ी है। इसके बाद इसके नीचे अगर आप देखें तो टेबल डिस्प्ले करना है ऑर्डर्स का जो कि पेंडिंग रिटर्न्स है, और उसके नीचे वापस एक कार्ड आएगा कंप्लीटेड रिटर्न्स के लिए, और फिर एक टेबल आएगा। तो टेबल डिस्प्ले करने के लिए हम वापस वो पेज टेबल का यूज़ करेंगे, पेज टेबल। अब यहाँ पे हमें चाहिए होगा कॉलम्स नाम का एक एरे, तो वो हमें टाइपस्क्रिप्ट में बनाना पड़ेगा जो जो कॉलम्स हमें डिस्प्ले कराना है। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे बनाता हूँ
कॉलम्स फॉर पेंडिंग रिटर्न्स, तो इतने कॉलम्स हमें चाहिए। और फिर कॉलम्स फॉर पेंड कंप्लीटेड रिटर्न्स, उसके लिए देखिए शुरुआत के जो ये पांच कॉलम्स है वो सेम है ऑर्डर डेट तक, उसके बाद एक फाइन टू पे वाला यहाँ पे आएगा और रिटर्न डेट और फाइन पेड यहाँ पे आएगा। उसके बाद डेटा सोर्स भी बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम एरे का डेटा स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर्स के एरे बनाए हैं, ऑर्डर्स विथ पेंडिंग रिटर्न के लिए ये वाला एरे और कंप्लीटेड रिटर्न्स के लिए ये वाला एरे। तो ये हो गया डेटा सोर्स, अब यही हम यहाँ पे सेंड करेंगे। ये पेंडिंग रिटर्न्स के लिए, तो कॉलम्स फॉर पेंडिंग रिटर्न्स, और इसका डेटा सोर्स जाएगा ऑर्डर्स विथ पेंडिंग रिटर्न्स में। अब देखिए यहाँ पे क्या एरर दे रहा है कि ऑर्डर एरे इज़ नॉट असाइनेबल टू यूज़र, क्योंकि अगर आप पेज टेबल कंपोनेंट में देखें तो डेटा सोर्स हमने यूज़र एरे दिया था, तो अभी तक सिर्फ यूज़र के लिए यूज़ हो रहा था इसीलिए। तो मैं इसको कट कर देता हूँ और ए नहीं लगा देता हूँ ताकि इसमें हम कुछ भी डाल सकें, तो अभी यहाँ से एरर निकल चुका है। तो मुझे बस इतना ही यहाँ पे डालना था। अब टेबल यहाँ पे डिस्प्ले होगा ही नहीं क्योंकि ये जो कॉलम्स हमने सेंड किए इस पेज टेबल में हमने डिफाइन किए ही नहीं है। तो यहाँ पे मैट कार्ड बना दिया सेम वैसे ऑर्डर्स विथ कंप्लीटेड रिटर्न्स, यहाँ पे टू लिख दिया है मैंने। तो इसकी ये टेबल जो एम्प्टी आ रहा था उसके नीचे एक कार्ड आ चुका है, और इसके बाद वापस एक टेबल डिस्प्ले करना है। तो पेज टेबल होगा और इसमें कॉलम्स क्या जाएंगे कंप्लीटेड रिटर्न्स के, और इनका जो डेटा सोर्स होगा वो होगा ऑर्डर्स विथ कंप्लीटेड रिटर्न्स। तो यहाँ पे देखिए कोड हमें इतना ही लिखना पड़ा, बाकी सब हम पेज टेबल में डाल देंगे। तो अभी मैंने ये ऑर्डर्स में टेम्पररी डेटा डाल के रखा है ताकि ये डिस्प्ले हो जाए। तो अब पेज टेबल के HTML पार्ट में आ गया हूँ, यहाँ पे एक एक करके मैं वो ऑर्डर्स के टेबल कॉलम्स बना देता हूँ। तो ये होगा अपना ऑर्डर ID का टेबल, ये ऑर्डर ID हो गया, एलिमेंट में से हम ID निकालेंगे। उसके बाद यूज़र ID आएगा, तो एलिमेंट डॉट यूज़र ID। उसके बाद यूज़र नेम, उसमें फर्स्ट नेम आएगा और फिर बुक ID। तो अभी जो हमने यूज़र के कंपोनेंट डाले थे पहले उसमें यूज़र ID तो ऑलरेडी है, और यूज़र नेम के लिए मैंने फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम अपेंड किया था, लेकिन यहाँ पे हमें यूज़र ID सेम है तो इसीलिए ये डालने की ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी है। लेकिन यूज़र नेम में प्रॉब्लम आएगा क्योंकि ऑर्डर में ये वाला यूज़र नेम का फील्ड है और वहाँ पे वो है नहीं, तो इसलिए यूज़र नेम फॉर ऑर्डर ऐसा करके एक नया कॉलम बनाता हूँ। और फिर ये ऑर्डर डेट का कॉलम आएगा जो कि एलिमेंट से ऑर्डर डेट लेगा और कन्वर्ट करेगा इस फॉर्मेट में। फिर फाइन टू पे का कॉलम आएगा इसके, और इसमें अभी के लिए मैंने 100 डाला है, बाद में हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने ये जो कॉलम हमने सेंड किया था वहाँ पे यूज़र नेम फॉर ऑर्डर डाल दिया। अब नीचे देखिए सारे एलिमेंट अपने आप डिस्प्ले हो गए। अब यही सेम चीज़ इसके नीचे वाला जो कंप्लीटेड ऑर्डर है यहाँ पे भी मैं ये पेस्ट करता हूँ, और वहाँ पे ये रिटर्न डेट और फाइन पेड के दो कॉलम ऐड कर देंगे क्योंकि बाकी के सारे कॉलम तो अभी हमने ऑलरेडी ऐड किए हैं। तो यहाँ पे रिटर्न डेट का एक कॉलम ऐड किया सेम ऑर्डर डेट जैसा है, कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्मेट में, और फिर ये फाइन पेड यहाँ से आ जाएगा। सेव किया तो अब इसके नीचे भी वैल्यू बराबर डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पे कार्ड जो है सेकेंड कार्ड जो हमने डाला था ये nth ऑफ टाइप 2 करूँगा मैं, सेकेंड कार्ड उसके टॉप मार्जिन 2 रेम कर देंगे तो इसके नीचे मार्जिन आ जाएगी। तो मैं मैक्सिमाइज़ करके दिखाता हूँ आपको, ये हो गया हेडर, दो बटन्स आए, दो टेबल्स और एक दूसरा कार्ड यहाँ पे। तो यहाँ पे UI का काम इतना ही था। अब हम बैकएंड से डेटा फेच करेंगे और यहाँ पे जो ओरिजिनल डेटा है वो फिल करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर में मैं API सर्विस और मैट स्नैक बार जो है वो इंजेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर हमने एक मेथड लिखी थी गेट ऑर्डर्स फॉर यूज़र्स बोल के, यूज़र, तो जो यूज़र ID हम सेंड करेंगे वो ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा और उसे हम मैप कर लेंगे। तो ये मैप करने का लॉजिक क्यों लिखा था, क्योंकि ऑर्डर जब आएगा तो उसके अंदर यूज़र का एक्स्ट्रा एक इंस्टेंस होता है और उसमें बुक का अलग इंस्टेंस होता है, तो हमें वो पूरा इंस्टेंस नहीं चाहिए था, बस वो जो यूज़र का इंस्टेंस था उसके अंदर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, और बुक का जो इंस्टेंस है उसका बस टाइटल चाहिए था, इसलिए मुझे नया ऑर्डर का मॉडल बनाना पड़ा और उसे मैप करना पड़ा। तो यही चीज़ मैं वापस करने वाला हूँ, तो मैं बस यही कोड कॉपी पेस्ट करूँगा, यूज़र ID उसमें होगा नहीं, जितने भी ऑर्डर्स है वो सब रिटर्न हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखें तो गेट ऑर्डर्स नाम का एक मेथड बनाया है जिसमें यूज़र ID है नहीं, तो जितने ऑर्डर्स है वो सब इस API एंडपॉइंट से रिटर्न होंगे, और पाइप में वापस सेम ही कोड मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ऑल ऑर्डर्स में हमें उसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अब ये API सर्विस का गेट ऑर्डर्स को सब्सक्राइब किया तो रिस्पॉन्स हमारे पास ऑर्डर्स में आ जाएगा, और अगर एरर आया तो हम यही से डिस्प्ले कर देंगे नो ऑर्डर्स फाउंड। अब इसके अंदर मुझे फ़िल्टर लगाना पड़ेगा और वही ऑर्डर्स हम डिस्प्ले करेंगे जो रिटर्नड हो चुके हैं। ये पेंडिंग रिटर्न्स है तो हमें चाहिए नॉट रिटर्नड, ऑर्डर्स विथ कंप्लीटेड रिटर्न्स सेम कोड होगा, बस ये नॉट ऑपरेटर नहीं होगा क्योंकि जो रिटर्न हुए है वो इसमें डाल दो। तो अभी मैं सेव करता हूँ, अभी के लिए अगर मैं देखूँ तो आएगा नहीं नो ऑर्डर्स फाउंड,
क्योंकि API एंड पॉइंट लिखा ही नहीं है, तो अभी यहाँ पे हमें बैकएंड में API का एंड पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने एक HTTP गेट मेथड बना दिया है गेट ऑर्डर्स बोल के, इफ़ ऑर्डर्स डॉट एनी, अगर कोई ऑर्डर अवेलेबल है तो ओके कर दो रिटर्न, और नहीं है तो नॉट फाउंड। लेकिन अब मैं डायरेक्ट अगर मैं ऑर्डर्स के अंदर दिखाऊँ आपको, ये ऑर्डर का जो टेबल है इसमें बुक और यूज़र का एक इंस्टेंस है जो हमें बुक आईडी और यूज़र आईडी के हिसाब से फेच करना पड़ेगा, तो वो हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड करो, जिससे कि क्या होगा उसके अंदर वो इंस्टेंस आ जाएंगे। तो एंड पॉइंट इतना ही था। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो जो ऑर्डर्स हमारे पास है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो ऑर्डर डिस्प्ले हो चुका है, ये ऑर्डर आईडी है, ये बुक आईडी आ गई। अब यूज़र आईडी और ऑर्डर आईडी सेम आ रही है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आईडी जो है एक्चुअल में ऑर्डर के समय ये ऑर्डर की आईडी है, इसीलिए। तो मुझे लगता है वापस हमें यूज़र आईडी का टेबल बनाना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा यूज़र आईडी बोल के आएगा, और यूज़र आईडी फॉर ऑर्डर बोल के कॉलम बना देता हूँ, और वही कॉलम का नाम यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा। तो अब सेव किया, तो अब देखिए मेरा यूज़र आईडी आ गया, ऑर्डर आईडी, यूज़र नेम, और फिर ऑर्डर का डेट, कोई कंप्लीटेड रिटर्न्स है ही नहीं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक रिटर्न कर देता हूँ बुक, बुक आईडी नंबर 12 को रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न द बुक, बुक हैज़ बीन रिटर्न। अब मैं ऑल ऑर्डर्स में आता हूँ, अब यहाँ पे देखिए दूसरा ऑर्डर अपने आप आ गया, ये कंप्लीटेड रिटर्न है, रिटर्न डेट इतना आ गया, फ़ाइन पेड इतना। अब फ़ाइन टू पे जो है देखिए 100 आ रहा है क्योंकि ये कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो हमें वो कैलकुलेट भी करने का लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पेज टेबल में एक मेथड बनाता हूँ गेट फाइन टू पे, और फिर वो API सर्विस में हमने ऑलरेडी मेथड लिखा है फ़ाइन कैलकुलेट करने का, तो वही हम यूज़ करेंगे। तो ये API सर्विस इंजेक्ट कर दिया है मैंने, और रिटर्न कर देंगे API सर्विस में गेट फाइन, और ये ऑर्डर का कंपोनेंट डाल देंगे, तो अब फाइन रिटर्न होगा। और यही मेथड मैं ये जो फाइन टू पे का कॉलम है यहाँ से कॉल कर देता हूँ, गेट फाइन टू पे, और एलिमेंट हम इनपुट देंगे। सेव किया, अब यहाँ पे देखता हूँ तो देखिए 1650 1150 बराबर फाइन कैलकुलेट करके आ गया। तो इस तरीके से दोनों टेबल डिस्प्ले हो गए। तो अब मैं ये दो बटन्स की जो फंक्शनलिटी है वो डालूँगा। ऑल ऑर्डर्स का जो कंपोनेंट है उसमें मैं एक सेंड ईमेल नाम का मेथड बनाता हूँ, और ब्लॉक यूज़र्स नाम का एक मेथड है। जब मैं ये सेंड ईमेल का बटन क्लिक करूँगा तो ये मेथड कॉल होगा, और फिर ब्लॉक यूज़र्स का मेथड यहाँ पर कॉल होगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही हम सेंड ईमेल पे क्लिक करेंगे तो ईमेल सेंड होने में और प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो टाइम को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार डालने वाला हूँ, जो मैंने डेमो में दिखाया था कि वो प्रोग्रेस बार दिखना चाहिए यहाँ पे। ये वो मैट एंगुलर मटेरियल का एलिमेंट है, मैट प्रोग्रेस बार, मोड होगा इंटरमीडिएट और कलर होगा एक्सेंट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी वो डिस्प्ले हो चुका है, और इसके ऊपर थोड़ी मार्जिन डालता हूँ, तो अपना जो मैट फुटर है मार्जिन टॉप 1 रैम, तो आउटपुट देखे तो यहाँ पे आ गया इस तरीके से। अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन ये विजिबल तभी होगा जब हम इस पर क्लिक करेंगे, और जब रिस्पांस आ जाएगा तो वापस इनविजिबल हो जाएगा। तो ये शो प्रोग्रेस बार बोल के एक वेरिएबल है, बुलियन बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा, शो प्रोग्रेस बार, तभी हम ये प्रोग्रेस बार शो करेंगे, वरना ये दिखेगा ही नहीं। तो अब मैं आउटपुट देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हिडन है। अब जैसे ही मैं सेंड ईमेल पे क्लिक करता हूँ तो शो प्रोग्रेस बार को मैं ट्रू कर दूंगा, और फिर API में रिक्वेस्ट भेजेंगे, उसका रिस्पांस जैसे ही सक्सेसफुल आ जाएगा तो हम इसको वापस फॉल्स कर देंगे, तो वापस हाइड कर देंगे। तो उसके लिए API सर्विस में एक मेथड बनानी पड़ेगी, ये मेथड HTTP गेट रिक्वेस्ट से सेंड ईमेल फॉर पेंडिंग रिटर्न, ये एंड पॉइंट कॉल करेगा और रिस्पॉन्स टाइप टेक्स्ट होगा। तो ये एंड पॉइंट मैं बनाता हूँ अभी के लिए बस यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखता हूँ। तो ये API सर्विस में सेंड ईमेल मेथड है, इसको सब्सक्राइब करके रख दिया। अब उसके बाद अगर रिस्पांस में सेंट लिख के आ गया तो हम स्नैक बार में मैसेज करेंगे ईमेल्स हैव बीन सेंट, और फिर शो प्रोग्रेस बार को फॉल्स कर देंगे। लेकिन अगर सेंट नहीं आया तो ईमेल्स हैव नॉट बीन सेंट, ये मैसेज डिस्प्ले करेंगे और शो प्रोग्रेस बार वापस फॉल्स कर देंगे। तो ये UI में इतना था, अब इसका एंड पॉइंट हमें बैकएंड में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एंड पॉइंट बना दिया है सेंड ईमेल फॉर पेंडिंग रिटर्न्स। अब सबसे पहले यहाँ पे वो सारे ऑर्डर्स हमें चाहिए जो अभी तक रिटर्न नहीं हुए। जो ऑर्डर्स रिटर्न नहीं हुए उसमें से हमें ऐसे ऑर्डर्स चाहिए जिनके ऊपर एक्चुअल में फ़ाइन लगा है, क्योंकि ऐसे भी ऑर्डर्स हो सकते हैं जो 1 या 2 दिन ही हो गए, उनके ऊपर कोई फ़ाइन नहीं होगा।
उनकी जो डेट है उसमें +10 ऐड करूँगा ऑर्डर डेट, और वो आज से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 10 दिन से ज़्यादा हुआ तभी उसके ऊपर फ़ाइन लगेगा, और वही ईमेल्स में यहाँ पे फेच कर रहा हूँ। अब इनके ऊपर हमें इतना तो पता चल गया कि फ़ाइन है, अब वो कितना फ़ाइन है वो कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। तो ईमेल्स विथ फ़ाइन फॉर ईच लूप लगाऊंगा मैं, तो यहाँ से हमारा फ़ाइन भी कैलकुलेट हो जाएगा हर एक ईमेल के लिए। अब जैसे ही हमारे पास फ़ाइन आ जाएगा, टोटल 3 प्रकार के ईमेल हमें सेंड करने। सबसे पहले उनको ईमेल सेंड करना है जिनका फ़ाइन आज पहली बार लगा है 50, तो उनका एक स्पेसिफिक ईमेल होगा, ईमेल का मैसेज अलग होगा। उसके बाद जिनका 50 से ज़्यादा है लेकिन 500 से कम है, तो नॉर्मल उनका हर रोज़ का फ़ाइन चल रहा है, तो वो उनको ईमेल सेंड करना पड़ेगा। और तीसरा है उनका जिनका फ़ाइन ऑलरेडी 500 के ऊपर जा चुका है और अकाउंट ब्लॉक हो चुका है उनका, तो उनको अलग टाइप का ईमेल। तो पहले ऐसे ईमेल ढूंढो जिनका फर्स्ट फ़ाइन है, तो ये फ़ाइन पेड इक्वल टू 50, और इन सब के ऊपर मैं लूप लगाता हूँ। और यहाँ पे हम बॉडी लिखेंगे ईमेल की, और सेंड ईमेल, ईमेल का जो सर्विस है उसमें से सेंड ईमेल, और एक्स डॉट जो भी हमारे पास ये ऑर्डर आया है उसके अंदर यूज़र का एक इंस्टेंस है, उस यूज़र के अंदर से हम ईमेल ले लेंगे, फिर बॉडी, फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट, और फिर ये बॉडी। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यूज़र भले ही हमने लिखा है, लेकिन जब मैं फेच कर रहा हूँ ऑर्डर्स को ऊपर से, तो ये ऑर्डर्स में यूज़र्स का इंस्टेंस नहीं आएगा, वो नल आएगा, तो वो हमें इंक्लूड भी करना पड़ेगा। अब मैं इनका सब्जेक्ट देता हूँ रिटर्न ओवर ड्यू, यानी कि रिटर्न करने का टाइम निकल चुका है, तो रिटर्न ओवर ड्यू। इसमें इसकी जो बॉडी होने वाली है वो कुछ इस तरीके से होगी, बॉडी टैग आएगा ईमेल में, हाय वो जो भी यूज़र का नाम होगा, और येस्टरडे वॉज योर लास्ट डे टू रिटर्न दिस बुक, बुक का टाइटल। अब ये बुक भी इंस्टेंस है तो वो भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसको कुछ मैंने इस तरीके से दिखाया, ऑर्डर्स को बुक इंक्लूड किया, यूज़र इंक्लूड किया, और नॉट रिटर्न टू लिस्ट, तो बुक का भी इंस्टेंस इसमें आ जाएगा। और फ्रॉम टुडे एवरी डे फाइन विल बी एडेड, सो प्लीज़ रिटर्न द बुक, इफ़ योर फाइन एक्सीड्स 500 योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड। तो ये वाला ईमेल इनको सेंड हो जाएगा। तो ये तो पहले टाइप का हो गया। अब रेगुलर टाइप का ईमेल, रेगुलर फ़ाइन जिनका 550 से ग्रेटर है और 500 से कम है, उनको सेम टाइप की प्रोसेस है, बस उसकी बॉडी अलग होने वाली है। बॉडी में क्या होगा, हाय यू हैव दिस मच फाइन ऑन योर बुक, प्लीज़ पे इट एज सुन एज पॉसिबल। और ये ईमेल सर्विस से हम सेंड कर देंगे, और इसका सब्जेक्ट होगा फ़ाइन टू पे। अब जिनका फ़ाइन ओवरड्यू हो चुका है उनको रिट्रीव करना पड़ेगा, जिनका फ़ाइन ग्रेटर देन 500 है, और वापस सेम प्रोसीजर होगी। ये हर एक पे लूप लगाया, ईमेल सर्विस डॉट सेंड ईमेल, और इनके ईमेल का बॉडी होगा फ़ाइन ओवरड्यू, और इसकी जो बॉडी होने वाली है वो कुछ अलग होगी, कुछ इस तरीके से उसका कंटेंट अलग होगा, यू हैव फाइन ऑन दिस बुक, योर अकाउंट इज़ ब्लॉक्ड, प्लीज पे इट एज सुन एज पॉसिबल टू अनब्लॉक योर अकाउंट। ईमेल की बॉडी यहाँ पे आ जाएगी, और जब सब हो जाएगा तो हम रिटर्न कर देंगे ओके और सेंट। यूआई के अंदर हमने यहाँ पे चेक किया था रिस्पॉन्स सेंट आया कि नहीं, तो इसलिए हमें यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने वो सारे ऑर्डर्स फेच कर लिए जो अभी तक रिटर्न नहीं हुए, उसके बाद उसमें से वो ऑर्डर्स को फ़िल्टर किया जिनके ऊपर फ़ाइन लगने वाला है, फिर फ़ाइन को कैलकुलेट किया, और फ़ाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, और हर एक का अपना अपना ईमेल सेंड कर दिया, और बाद में सेंड करके रिटर्न कर दिया। अब इसको मैं वापस रन करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने डेटाबेस से वैल्यू अपडेट कर दिया है, या इसको 29th November कर दिया है, तो जिससे कि 50 फाइन आ जाएगा पहले दिन का, और इसको 15th November जिससे कि 750 फाइन इसका आ जाएगा। अब मैं जैसे ही ईमेल सेंड करूँगा पहले तो प्रोग्रेस बार दिखना चाहिए और ईमेल बराबर सेंड हो जाना चाहिए। ये प्रोग्रेस बार दिखा, जैसे ही रिस्पॉन्स आ जाएगा ये प्रोग्रेस बार हाइड हो जाएगा और नीचे स्नैक बार आ जाएगा, ईमेल्स हैव बीन सेंड टू रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब मैं साइन इन करके ईमेल दिखाता हूँ आपको, 2 ईमेल आ जाने चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फ़ाइन ओवरड्यू बोल के एक ईमेल आया है और रिटर्न ओवरड्यू, रिटर्न ओवरड्यू ओपन करता हूँ, फ़ाइन एक्सीडेंट सेम ईमेल आ चुका है। फ़ाइन ओवरड्यू को ओपन करता हूँ तो यू हैव दिस मच 750 फाइन, योर अकाउंट इज़ ब्लॉक्ड, प्लीज़ पे इज एज सुन एज पॉसिबल। तो कुछ इस तरीके से हमारा ईमेल सेंड होगा। लेकिन अब जिसका अकाउंट ये ब्लॉक का ईमेल गया उसका एक्चुअल में ब्लॉक भी होना चाहिए, तो उसके लिए ये वाला बटन है, तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर होगा। तो API सर्विस में मैं सेंड ईमेल्स के नीचे ब्लॉक यूज़र्स बोल के नया सर्विस कॉल करेंगे एंड पॉइंट को,
और इसको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल में। ये शो प्रोग्रेस बार वापस से ट्रू कर दिया, उसके बाद ब्लॉक यूज़र्स को सब्सक्राइब करके रिस्पांस जैसे ही आ जाएगा हम फॉल्स कर देंगे। अब रिस्पांस देखिए, जैसे ही रिस्पांस ब्लॉक्ड बोल के आ जाएगा तो मैसेज डिस्प्ले करेंगे और इसको फॉल्स, और अगर नहीं आया तो नॉट ब्लॉक्ड कर देंगे और वापस से इसको फॉल्स कर देंगे। अब ये एंड पॉइंट बैक एंड में बनाना पड़ेगा, तो ये मेथड मैंने डाल दिया ब्लॉक फाइन ओवरड्यू यूज़र्स। ऑर्डर्स में हम वापस से फेच करेंगे जो रिटर्न नहीं हुए, उसके बाद ईमेल्स विथ फाइन का सेम कोड है, वापस से मैं वो सारे ईमेल्स ले रहा हूँ जिनके ऊपर फ़ाइन लगेगा, फ़ाइन कैलकुलेट करने का है। और हम अब उसके बाद मुझे यूज़र्स का एक लिस्ट चाहिए जिनका अभी अकाउंट ब्लॉक करने का है, तो जिनका भी फ़ाइन 500 के ऊपर है वो फेच करो, और इसे मैं सिलेक्ट ऑपरेटर यूज़ करता हूँ एक्स डॉट यूज़र, तो अब ये यूज़र की लिस्ट आ जाएगी, और उसमें से भी मुझे डिस्टिंक्ट चाहिए इसलिए डिस्टिंक्ट ऑपरेटर यहाँ पे, तो अब वो सारे यूज़र्स की लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। अब हर एक यूज़र पे मैं लूप लगाऊंगा और उनका जो अकाउंट स्टेटस है वो ब्लॉक्ड कर देंगे, और सबसे लास्ट में कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस रिटर्न ओके ब्लॉक्ड। ये तब होगा जब यूज़र्स के अंदर कोई एलिमेंट हो, अगर नहीं हुआ तो एल्स में नॉट ब्लॉक्ड रिटर्न कर देंगे। तब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने अभी चेक किया यूज़र्स इज़ नॉट नल, ये बस ऐड कर दिया है। अभी ब्लॉक ओवरड्यू यूज़र्स कर दूंगा तो मेरा जो अकाउंट है दूसरा यूज़र से बनाया था मैंने वो ब्लॉक हो जाना चाहिए। क्लिक किया, एलिजिबल यूज़र्स वर ब्लॉक्ड। तो अब मैं ये मेरे खुद के यूज़र अकाउंट से लॉगिन किया है मैंने, ये लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे ब्लॉक्ड आ रहा है, लेकिन लॉगिन होना ही नहीं चाहिए। तो अब लॉगिन इसलिए हो पा रहा था क्योंकि जब हम लॉगिन का फंक्शन कॉल कर रहे तो बस यहाँ पे चेक कर रहा हूँ मैं कि अनअप्रूव्ड है, तो अनअप्रूव्ड रिटर्न करो, वरना डायरेक्ट JWT का टोकन बना के हम सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे वापस मुझे चेक करना पड़ेगा इफ, अगर ब्लॉक हुआ तो रिटर्न कर दो ब्लॉक्ड। इसको मैं वापस रन करके देखता हूँ। अब मैं लॉगिन कंपोनेंट के टाइपस्क्रिप्ट फाइल में आया हूँ, यहाँ पे भी हमने else if लगाया था, तो वापस से ये else if को कॉपी करता हूँ, नीचे डालता हूँ यहाँ पे, इफ ब्लॉक्ड योर अकाउंट इज ब्लॉक्ड प्लीज़ गो टू एडमिन ऑफिस टू अनब्लॉक। सेव कर दिया, अब मैं लॉगिन करके देखता हूँ। ये लॉगिन पे क्लिक किया, योर अकाउंट इज़ ब्लॉक प्लीज़ गो टू एडमिन टू अनब्लॉक। तो अब मेरा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। अब मैं एक्चुअल में एडमिन ऑफिस में गया और वहाँ पे बोला कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, तो एडमिन जो है मेरी बुक सारी रिटर्न करवा के लेगा, फ़ाइन भरवा के, और फिर व्यू यूज़र्स में आएगा, यहाँ पे उसे दिखेगा मेरा अकाउंट ब्लॉक है, तो वहाँ से वो अनब्लॉक करेगा। तो उसके लिए अभी हमें व्यू यूज़र्स नाम का कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। अब व्यू यूज़र्स का कंपोनेंट बनाता हूँ मैं, ng जनरेट कंपोनेंट यूज़र्स के अंदर व्यू यूज़र्स नो स्टैंडअलोन। कंपोनेंट अपना बन चुका है, इसका मैं राउट ऐड कर देता हूँ, ये व्यू यूज़र्स का राउट ऐड कर दिया और इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, ये इंपोर्ट भी हो गया। अब यहाँ पे व्यू यूज़र्स वर्क्स बोल के आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप व्यू यूज़र्स देखें तो एक कार्ड है और उसके बाद बेसिक टेबल है, तो टेबल में भी बहुत से कॉलम हमने ऑलरेडी बना के रखे पेज टेबल में, बस थोड़े बहुत ये मोबाइल नंबर वगैरह और ये अनब्लॉक का बटन ऐड करना पड़ेगा, तो वो पेज टेबल में हम कर देंगे। तो अब ये व्यू यूज़र्स के HTML में मैं मैट कार्ड डालता हूँ और इसके कंटेंट में ऑल यूज़र्स ऑफ लाइब्रेरी, तो ये कार्ड आ गया। इसके नीचे होगा पेज टेबल, इसके लिए हमें कॉलम्स भी बनाने पड़ेंगे। तो कॉलम्स देखिए, ये वाले कॉलम्स होंगे यूज़र ID। अब नेम जो है, अब पेज टेबल में अगर आप देखें तो ये यूज़र इन्फो में टोटल इतने कॉलम्स है हमारे पास, फिर यूज़र नेम का कॉलम है, तो मैं ये नेम कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि वापस लिखना ना पड़े। फिर ईमेल का अगर देखें तो ईमेल ऑलरेडी बना के रखा है, फिर मोबाइल नंबर नहीं है तो वो भी हमें डालना पड़ेगा, क्रिएटेड ऑन का भी कॉलम ऑलरेडी है और यूज़र टाइप का भी कॉलम ऑलरेडी है, तो अपने को मोबाइल नंबर, अकाउंट स्टेटस और अनब्लॉक ये तीन कॉलम्स डालने हैं। ये मोबाइल नंबर का कॉलम आ गया, ये अकाउंट स्टेटस का कॉलम आ गया, और उसके बाद ये अनब्लॉक का कॉलम आ गया जिसके अंदर एक बटन होगा रेस्ड बटन और अनब्लॉक लिखा हुआ होगा, और इसका जो डेटा होने वाला है वो यूज़र का एरे होगा, तो ये व्यू यूजर्स में एक एरे बना देता हूँ। तो ये टेम्पररी डेटा यहाँ पे डाल दिया है मैंने। अब HTML फाइल में यहाँ से मैं कॉलम सेंड करता हूँ इसके, और डेटा सोर्स जो है वो अभी यूज़र्स जो एरे बनाया वो होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो टेबल डिस्प्ले हो रहा है ऑलरेडी, हमने कॉलम्स वगैरह बस दो तीन ही डाले फिर भी डिस्प्ले हो रहा है, तो इसका CSS में थोड़ा इसकी विड्थ कम करूँगा और इसकी मार्जिन थोड़ी डाल देता हूँ नीचे। तो मैट कार्ड की विड्थ मैक्स कंटेंट होगी, तो यहाँ पे मैट कार्ड की विड्थ मैंने मैक्स कंटेंट रख दिया और मार्जिन बॉटम थोड़ी 2 rem कर दिया। इतना ही स्टाइलिंग था इसमें।
तो अब मैं बैकएंड से डेटा फेच करता हूँ और इसमें डिस्प्ले कर देता हूँ। टेम्पररी डेटा हटाया और यहाँ पे एपीआई सर्विस इंजेक्ट कर देता हूँ। ये एपीआई सर्विस इंजेक्ट कर दिया। अब अगर एपीआई सर्विस में आप देखें तो गेट यूज़र्स नाम का फंक्शन ऑलरेडी बनाया है हमने, तो वापस लिखने की ज़रूरत है नहीं, इसी को यूज़ करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर में इसको मैं सब्सक्राइब करके रखता हूँ एपीआई सर्विस को। गेट यूज़र्स को सब्सक्राइब किया, जो भी पहले तो इस यूज़र्स का एरे एम्प्टी किया और फिर हर एक एलिमेंट पर लूप लगाकर एक एक वैल्यू मैंने पुश कर दिया। अब यहाँ पे देखता हूँ तो जो भी मैं यूज़र्स डेटाबेस में अवेलेबल थे वो यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन अकाउंट स्टेटस देखिए ठीक से दिख नहीं रहा है, तो इसे हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब देखिए पेज टेबल का कंपोनेंट है, इसके अंदर मैंने एक मेथड लिखा है गेट अकाउंट स्टेटस। तो इनपुट लेगा ये अकाउंट स्टेटस का एक ऑब्जेक्ट और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। ये वाला जो पैटर्न है ये टाइप स्क्रिप्ट में enum की वैल्यूज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देगा। तो अकाउंट स्टेटस का एरे की तरह यूज़ करेंगे और इनपुट देंगे, तो वो रिटर्न जो होगा वो इसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन होगा। और यही मेथड मैं यहाँ से कॉल कर देता हूँ। तो पहले मैंने सिर्फ ये एलिमेंट डॉट अकाउंट स्टेटस डाला था, अब ये मेथड में कॉल करूँगा। अब सेव किया है तो वैल्यू देखिए एक्टिव आ चुका है और ये ब्लॉक्ड है। लेकिन अगर ये ऑलरेडी एक्टिव है और ब्लॉक नहीं है तो ये बटन डिसेबल चाहिए उनके लिए। तो यहाँ पे बटन विल बी डिसेबल्ड गेट अकाउंट स्टेटस एलिमेंट डॉट अकाउंट स्टेटस इज नॉट इक्वल टू। तो अगर अकाउंट स्टेटस ब्लॉक नहीं है तो उसे डिसेबल करके रखो। सेव किया तो अब देखिए तीनों के लिए डिसेबल हो गया और सिर्फ एक ब्लॉक था तो उसके लिए एनेबल हो गया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा बैकएंड में रिक्वेस्ट जाएगी, ये अनब्लॉक हो जाएगा और यहाँ से ये बटन डिसेबल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें एंड पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो अभी एपीआई सर्विस में मैं मेथड बनाता हूँ। ये अनब्लॉक नाम से एक मैंने मेथड बनाया जो यूज़र आईडी इनपुट लेगा और वो पैरामीटर हम सेंड करेंगे एचटीटीपी गेट की मदद से, और ये वाला एंड पॉइंट बैकएंड में बनाना पड़ेगा। तो ये सी शार्प के कोड में एक एंड पॉइंट बना देता हूँ। ये मेथड मैंने डाल दिया एचटीटीपी गेट अनब्लॉक। तो सबसे पहले तो वो यूज़र को मैं फेच करूँगा फाइंड की मदद से। ये यूज़र आईडी डाल के यूज़र को फेच किया। इफ़ यूज़र इज़ नॉट नल तभी उसे अनब्लॉक कर सकते, वरना रिटर्न करेंगे नॉट अनब्लॉक्ड बोल के। अगर हुआ तो यूज़र डॉट अकाउंट स्टेटस इक्वल टू और कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस और रिटर्न कर देंगे अनब्लॉक्ड बोल के। तो एपीआई में इतना ही था, अब रन कर देता हूँ। तो अब जब यूआई से हम वो फंक्शन कॉल करेंगे एपीआई सर्विस का, तो बटन जो है वो पेज टेबल के कंपोनेंट में है। अब यहाँ से हमें इवेंट रेज करना पड़ेगा, जैसे कि हमने अभी अप्रूव के लिए किया था। तो वापस एक इवेंट एमिटर बनाएंगे अनब्लॉक बोल के, एक इवेंट बनाएंगे। जैसे ही हम उस बटन पे क्लिक करेंगे वो इवेंट रेज होगा और अपना जो व्यू यूजर्स का कंपोनेंट है उसकी टाइप स्क्रिप्ट में वो इवेंट हैंडल हो जाएगा और यहाँ से एपीआई सर्विस कॉल हो जाएगी। ये यूज़र तो अनब्लॉक का एक इवेंट एमिटर बन दिया है एचटीएमएल फाइल में। जब भी इस बटन पे क्लिक होगा अनब्लॉक को हम एमिट कर देंगे इस डेटा के साथ। तो ये डेटा एक्चुअल में यूज़र होने वाला है। अब वो जो इवेंट हमने बनाया वो यहाँ पे आ जाएगा अनब्लॉक बोल के। तो जैसे ही आ जाएगा यहाँ पे और एक मेथड बनाएंगे अब व्यू यूज़र्स के कंपोनेंट में, जहाँ पे हमने पेज टेबल यूज़ किया है यहाँ पे वो इवेंट हैंडल करना पड़ेगा। तो जैसे ही अनब्लॉक का इवेंट रेज होगा ये मेथड उस पर कॉल हो जाएगा और इवेंट का डेटा जो भी है वो इसमें पास हो जाएगा। और ये अनब्लॉक का जो मेथड है वो यहाँ पे बन गया है। यहाँ से मैं एपीआई सर्विस कॉल करूँगा। तो पहले आईडी फेच करूँगा मैं इस यूज़र के ऑब्जेक्ट से, उसके बाद एपीआई सर्विस से जो अनब्लॉक मेथड अभी बनाई थी उसमें आईडी पास करके सब्सक्राइब कर दूंगा। जो रिस्पॉन्स आएगा वो हम उससे मैसेज डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए स्नैक बार इंजेक्ट करता हूँ। ये मैट स्नैक बार इंजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही रिस्पॉन्स आ जाएगा अनब्लॉक्ड, तो ये स्नैक बार से मैं मैसेज डिस्प्ले करूँगा यूज़र हैज़ बीन अनब्लॉक्ड, और एल्स अगर कुछ अलग रिस्पॉन्स आए तो नॉट ब्लॉक्ड। तो अब यहाँ पे अनब्लॉक पे क्लिक करता हूँ मैं, यूज़र हैज़ बीन अनब्लॉक्ड। ओके तो अभी मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ पेज को तो ये अब नया डेटा फेच हो जाएगा तो डेटाबेस से अनब्लॉक्ड आ जाएगा। तो अब यहाँ पे डिसेबल हो गया। अब लॉग आउट करके मैं वापस साइन इन करके देखता हूँ लॉग इन। तो ये लॉग इन अब हो रहा है, यहाँ पे शो बुक्स व्यू बुक्स पे आ गया तो लॉग इन हो रहा है। और प्रोफाइल में आके देखूँ तो अब एक्टिव बन चुका है। तो अब वापस मैं एडमिन से लॉग इन करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से व्यू यूजर्स का कंपोनेंट इतना ही था। अब मैं माय ऑर्डर्स कंपोनेंट में आया हूँ। यहाँ पे मैंने एक बुक को पेंडिंग रखा है और एक बुक को कंप्लीट कर दिया ऑर्डर। पेज टेबल कंपोनेंट जो बनाया था वो हमने इसमें यूज़ किया नहीं है, तो जल्दी से मैं वो कोड हटा देता हूँ जो लिखा था और उसमें पेज टेबल डाल देता हूँ, क्योंकि ये सारे कॉलम्स ऑलरेडी है अवेलेबल। तो ये जो दो कॉलम टेबल्स थे उसके कॉलम था ऑर्डर आईडी बुक आईडी, तो हमें सिर्फ बुक का टाइटल का कॉलम डालना पड़ेगा, बाकी सारे कॉलम्स ऑलरेडी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा टेबल मैंने लिखा था
तो ये टेबल की जगह पे पेज टेबल यूज़ करना पड़ेगा। कॉलम्स इंक्स के होंगे कॉलम्स फॉर पेंडिंग रिटर्न्स, और डेटा होगा पेंडिंग रिटर्न्स का। सेव करता हूँ तो अभी के लिए कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि सारे कॉलम्स हमारे पास है नहीं। तो ये बुक टाइटल का कॉलम मैंने डाल दिया एलिमेंट डॉट बुक टाइटल, बस इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब जैसे ही सेव कर दिया यहाँ पे देखिए ऑर्डर आईडी का सेम कॉलम आ गया ऊपर का जो अभी हमने पेज टेबल से यूज़ किया, तो नीचे वाला कॉलम अब मैं निकाल देता हूँ। तो अब यूज़र्स डॉट एच टी एम एल में आया और ये जो पूरा टेबल था और ये जो पूरा टेबल था इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब देखिए सिर्फ इतना ही बचा अपने पास, अगर लेंथ जे ग्रेटर देन जीरो है तो ये टेबल डिस्प्ले कर दो। फिर इतना हमारा कोड बच गया। अब इसके नीचे भी हमने वही किया था तो इसके अंदर भी देखिए सारे कॉलम सेम है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो इसको मैं निकाल देता हूँ और पेज टेबल डालता हूँ। कॉलम्स फॉर कंप्लीटेड रिटर्न्स और डेटा सोर्स कंप्लीटेड रिटर्न्स, और ये टेबल जो है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब सेव करके देखता हूँ डेटा, तो रिटर्न में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये रिटर्न डेट का जो स्पेलिंग है मैंने रिटर्न डेट ऐसा किया था, तो इसको जैसे ही सेव करता हूँ यहाँ पे देखिए रिटर्न का टेबल भी आ गया। तो अब पूरे एप्लीकेशन में हमने बहुत सारे टेबल्स यूज़ किए हैं, उसमें बहुत से कॉलम्स कॉमन थे तो वो हमने पेज टेबल कंपोनेंट में डाल दिए और हर जगह पे वो कंपोनेंट यूज़ किया, जिससे कि बहुत सारा कोड हमारा लिखना बच गया। तो इस हिसाब से हमारा पूरा एप्लीकेशन यहाँ पे बन चुका है। अब माय ऑर्डर्स, ऑल ऑर्डर्स भी आ गए, ये अप्रूवल रिक्वेस्ट, व्यू यूज़र्स, रिटर्न बुक, मेंटेनेंस और व्यू बुक्स। तो पूरा एप्लीकेशन यहाँ पे बन चुका है। और ये प्रोफाइल का कंपोनेंट भी हमने बनाया था, स्टूडेंट पैनल में भी था जिसमें व्यू बुक्स का एक फ़ीचर था और माय ऑर्डर्स का, ये दो ही फीचर्स थे। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो या वीडियो अगर आपको पसंद आई हो पूरी सीरीज़, तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और दूसरा अगर कोई आपको सजेशन हो तो आप वो भी बता सकते हैं मुझे, वो मैं बना दूंगा अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।